श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदाशिव गौर हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम गुरु गौरांग गदाधर बिहारी की जय। अभी आज से ब्रजमंडल परिक्रमा आज से शुरू करेंगे। मथुरा में आज संकल्प तो वहाँ पे भक्त लोग आए हुए हैं, देश विदेश हर जगह से। जो लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में अटेंड करना चाहते हैं तो कार्तिक महीना भी आया नहीं फिर भी पहले से क्यों, क्योंकि पहले से नहीं करने से ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी नहीं हुई, इसलिए इस पूर्णमासी से जो आ रही है उसी से ही कार्तिक व्रत यानी दामोदर व्रत शुरू। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि हम ब्रजमंडल परिक्रमा क्यों करते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा क्योंकि ये जन्म और मरण, ये जन्म मरण जो माला में घूम रहे हैं ना, हार में तुलसी में देखते हैं एक एक मोती को, उस प्रकार जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं फिर जन्म लेते हैं, तो ऐसे घूम रहे हैं रोटेशन है। इस प्रकार गोलोक वृंदावन में केंद्र करके ग्रह नक्षत्र सारा उनकी परिक्रमा कर रहे हैं पूरी ना। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में क्या है, गोलोक वृंदा, ये ब्रह्म संगीता में ये बताया ब्रह्म है। तो भागवत इसका प्रमाण है ब्रह्म संगीता में। तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा करने से क्या होगा, हम जो संसार में जो घूम रहे हैं है ना, जन्म ले रहे हैं फिर मर रहे हैं, ये शरीर जन्म लेते हैं मरते हैं, आत्मा जो है उनका ना जन्म है ना। तो महाराज जन्म लेता कौन है, बोलते शरीर, मरता कौन है, बोले शरीर। आत्मा ना जन्म लेते हैं लेती है ना मरती है, वो जीव की त्यू रहे पूरा जिंदगी बीत जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको ना देखने के लिए प्रयास करते हैं ना उनको समझने के लिए प्रयास करते हैं, और जो करते हैं महात्मा बनते हैं और करना चाहिए, क्योंकि जन्म मरण ये तो चली जाए है ना, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना संसार में ऐश करना सुख भोग करना, ये तो हर जन्म में ही है ना, ये नई बात नहीं है। नई बात ये होगी जो हम अपने बारे में अंदर हमारी दिल के अंदर आत्मा को देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसको बताया अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता में बताया। तो उसके लिए खुद देख नहीं पाएंगे, इसके लिए क्या चाहिए, गुरु चाहिए। वो भी कैसे गुरु हो जो रियलाइज्ड हो, एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने देखा है जिन्होंने अनुभव किया है उनका संग, और जिन्होंने देखा ही नहीं अनुभव नहीं किया कुछ भी नहीं है तो पढ़ के बोल देते हैं तो उससे क्या जाए, प्रभाव नहीं पड़ता। तभी हम सीनियर डिवोटी का संग करते हैं, क्यों, कि वो जितने भजन किया है उन भजन के प्रभाव हमारे ऊपर कृपा बरसते हैं, बड़ी कदर है, समझ रहे। तो हम सबको यही करना चाहिए जो कि जिसमें हम सद्गुरु के पास आकर अपनी खोज करनी चाहिए,
किसकी खोजनी चाहिए? जब मैं कहा और मेरे जब मेरी आत्मा जहां से आई है भगवान से, भगवान की खोज, क्योंकि भगवान की कमी नहीं है आजकल। आदमी भी बोलता है मैं भी भगवान, है ना, खेती है, लेकिन ये गलत। इंसान साधन करते करते सिद्धि होती है, इसका मतलब भगवान थोड़ी है। वो भगवान दास तो, और वो जो सिद्ध पुरुष है कभी नहीं कहेंगे कि मैं सिद्ध, वो क्या बोलेंगे, मैं भगवान का दास। तुम्हारा किंकर आपने जानी को गुरु अभिमान तेज, मैं किंकर जानी, मैं भगवान के दास हूं, आपने को जानना चाहिए सदगुरु को और गुरु अभिमान तेज, है ना। यही भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी उन्होंने पूछा। तो ब्रजमंडल परिक्रमा का मतलब है कि इस जन्म मरण की परिक्रमा चलती है, उसके लिए सदा के लिए छुटकारा। अभी मैं हमारे महाराज से सुनूंगा तो मेरा कल्याण, ठीक है। हरे पंचा कल्पित कृपा समय वचन महाराज महाराज की गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे
श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो जगत में आए हैं उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण है महाप्रभु स्वयं बोले पृथ्वी ते आचे जत नगरा विग्राम सर्वत्र प्रचार हरि विवरण सुखी हया लोक मर गाय। इसका मतलब है ऐसे एक दिन आएगा संपूर्ण विश्व में गली गलियों में शहर शहर में नगर नगर में सबके सब आनंद होकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग प्रसन्न होकर कीर्तन करेंगे। और इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी ये बात बताए एक दिन ऐसे आएगा जो काले और गोरे गोरे और काले दोनों एक साथ मिल करके हिताई गौर प्रेमानंदे ये भक्तिविनोद ठाकुर ने ये बात बताया एक दिन ये दोनों मिल करके हरि कीर्तन करेंगे, हरि नाम जगत में प्रचार करेंगे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु हमारी भक्ति धर्म कैसे उनको इच्छा किया है संपूर्ण विश्व में भगवान की कथा प्रचार है, क्योंकि जब तक जीव भगवान की भजन नहीं करेगा जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये दुनिया की स्त्री पुत्र परिवार जो भी सुखी नहीं रह सकता, सुखी रहेगा भगवान की भक्ति। इसलिए महाप्रभु ये चीज को प्रचार करने के लिए कल हम लोग सुन रहे थे उन्होंने दो व्यक्ति को बुलाया। किसको किसको बुलाया था? किसको बुलाया था? सब भूल जाता है। किसको बुलाया था? नित्यानंद हरिदास। ये दोनों को उन्होंने बुलाया, बोले सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास हमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश, मेरी आज्ञा को सर्वत्र मतलब केवल भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में मेरे आज्ञा को प्रचार करो और प्रत्येक घर घर में जाना और अपना झोली फैला करके भिक्षा मांगना। बोले किस चीज की भिक्षा? रुपया पैसा धन दौलत नहीं, बोले तीन चीज की भिक्षा के लिए बताए, बोलो कृष्ण भज कृष्ण और कर कृष्ण शिक्षा। मैंने तीन चीज की भिक्षा मांगी, हम उसको बाद में सुनेंगे ये तीन चीज उन्होंने क्यों बताया। और कल हम सुन रहे थे उन्होंने श्री नित्यानंद और हरिदास ठाकुर ये दो व्यक्ति को भेजा है, लेकिन उन्होंने ये दो व्यक्ति को क्यों भेजा? इसलिए श्री प्रभुपाद इसको पीछे चार कारण बताया। इसलिए कल हम लोगों ने तीन कारण सुना था, इसको याद रखकर बोल सकता है एक कारण पर बोल सकता है आप बोल सकते हो याद है याद है आप बताओ मुझे एक कारण बताओ। कल का आप सब नोट कर रहे थे, कल थाली आप थे कल दोपहर के थे दोपहर, इसलिए सब भूल गए, इसलिए इसको याद रखना चाहिए ठीक है ना। सबको आनंद देने के लिए सब आप मेरा याद है। खैर मैं दो बार कह रहा और ये इसको याद करना और कल से तुम्हें पूछूंगा ये है। इसका पहला कारण था उन्होंने इसलिए नित्यानंद को भेजे ये आदि गुरु है, क्योंकि इनसे सारे गुरुवर्ग प्रकट हुए। इसलिए हम अपना गुरुदेव को दो स्वरूप मानते हैं, एक है श्री नित्यानंद अभिन्न स्वरूप, दूसरा स्वरूप है और राधा रानी की भी निवेदन है। हम गुरुदेव को दो रूप मानते हैं कि राधा रानी निजन और श्री नित्यानंद प्रभु अभिन्न कलेवर है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न होता है प्रभुपाद कहते हैं क्या सारे गुरुवर्ग सबके सब नित्यानंद प्रभु अभिन्न और सबके सब राधा रानी के निजे जाने? तो नहीं, सब गुरु आप नहीं बता सकते। जिन लोगों ने इनकी आज्ञा और इनकी आदर्श को जीवन में चुना सब गुरु एक नहीं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले पार्वती गुरव भव संति शिष्य पितपहरता दुर्लभ सद्गुरुदेव शिष्य संता। बोले पार्वती जगत में अक्सर करके जो गुरु है वो शिष्य का खलु धन को अपहरण करते हैं। बोले शिष्य क्यों
बना दे, लेकिन लोग कथा में बैठे बात सप्त मंत्र कर देते, बोले जो शिव को उपासना करते हैं शिव मंत्र ले, जो दुर्गा की उपासना करते हैं दुर्गा मंत्र ले लो, जो हनुमान की पूजा करते हैं हनुमान की मंत्र ले लो, जो कृष्ण राम की भजन करते हैं उनका मंत्र ले लो, राधा रमन लाल की जय। इसलिए वो शिष्य का कल्याण नहीं सोचते, भले ही बड़ी पिए चाह पिए मंदिर आप श्रवण करें कुछ भी हो कभी मंत्र ले, शंकर जी कहते पार्वती ये सब के सब शिष्य का नित्य भारण करने वाले, केवल ये संपत्ति का रखने वाले, अरे ये हमारा का नाम होगा 5 करोड़ बच्चे ले जाए, और वो बच्चे को बोल देते हैं रोज रोज इतने इतने पैसा देना, 1 रुपया 2 रुपया रोज रोज हमारे अकाउंट में जमा कर, मतलब शिष्य का कल्याण नहीं अपना धंधा बना दिए। शंकर जी कहते पार्वती दुर्लभ सतगुरु देवी शिष्य संताप है, जीव का जो दुख है उसको हरण करने वाले जगत में बड़ी विरल होते हैं गुरु पार्वती हैं, जीव को कल्याण करने वाले। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्या सारे गुरुवर्ग नित्यानंद प्रभाव भी ना, और राधा रानी की निजी बिल्कुल नहीं, जो लोग बलदेव प्रभु का आदर्श को ग्रहण करते हैं, कहते क्या उनका आदर्श है, उनका आदर्श है स्वयं कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी वो 10 शरीर और 5 रस से सेवा करते हैं, सार सब कुछ दे करके हैं बलदेव प्रभु कृष्ण का आसन सिंहासन छत्र पादुका व्यंजन जो कुछ देखते हो दुनिया में, ये पुस्तक ग्रंथ ये जितने सारे मृदंग ये कौन है, जैसे बलदेव प्रभु, ये बलदेव प्रभु अनंत रूप में प्रकाश होकर की भगवान की अनंत सेवा को बलदेव प्रभु कहते हैं। और राधा रानी उनका नाम ही राधा, राधा नाम क्यों है, बोले अनयाराधनम भगवान हरि ईश्वर, राधा रानी 24 घंटा कृष्ण सेवा को छोड़ करके उनका कोई नाम ही नहीं है। राधा रानी जब नंदगांव में जब वो कृष्ण के लिए रसोई बनाती है, कहते राधा रानी की शरीर कितने कोमल है, कहते राधा जी के शरीर कितने कोमल है, चंद्रमा का किरण भी जिसको शरीर को ताप देता है, इतने राधा रानी के कोमल अंग है। लेकिन जब राधा रानी नंद भवन में श्री कृष्ण के लिए रसोई बनाती है, वहाँ पर कितने सारे चूल्हा जलती रहती है, कितने सारे चूल्हे चलती रहती है, राधा रानी बीच में बैठी हुई, अब तो गैस निकलेगा, पहले लकड़ी का चूल्हा होता था कंटे का, जो रसोई बनाई उनको पता होगा कितनी गर्मी थी, चारों तरफ में आग चल रही है, लेकिन राधा रानी जब बीच में बैठी करके रसोई बनाती है ना, उनको लगता है जैसे तैयार रूप में बैठे, मतलब कृष्ण चिंता में राधा रानी इतने तन्मय, सब सखियों को बोलते ललिता जल्दी जल्दी ये सब्जी बनाओ, कृष्ण गैया चरा करके आने का समय हो गया, विशाखा तुम ये सब्जी बनाओ, चपक लता ये बनाओ, रूप मंजर ये बनाओ, लवंग मंजर तुम ये बनाओ, हैं सबको वो आदेश देती है राधा रानी, और सबके सब श्री राधा रानी स्वयं कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए इनका नाम राधा है, जो संपूर्ण इंद्रियों की जिनकी काय मन सब कुछ कृष्ण सेवा में समर्पित है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं वही गुरुदेव महा नित्यानंद प्रभु अभिन्न, वही गुरुदेव राधा रानी के निजजन ही, जो इनके आदर्श को जो पालन करने वाले, इनका आदर्श क्या है, भगवत सेवा करना और दूसरों को शिक्षा देना। इसलिए हमारे गुरुवाष्टक में कहते हैं शिव राधन श्रृंगार स्वयं सेवा करते नहीं और उनका अनुगत जन को प्रभु के भजन में लगाते, वो नहीं कहते मेरी सेवा करो, और राधा रानी बोले नहीं कुंज जो जा
कहते जो राधा रानी की जो निकुंज में जो राधा कृष्ण विहार करते हैं वो निकुंज लीला में राधा कृष्ण की सेवा में जो अत्यंत अत्यंत एक्सपर्ट है कौन है जैसे बोलते हैं। इसलिए वही गुरुदेव राधा जी के अभिन्न स्वरूप है, वही गुरुदेव नित्यानंद अभिन्न जो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा स्वयं कृष्ण भक्ति करते हैं और अनुगतों को भी उसी भगवत भजन में कृष्ण सेवा में जो नियुक्त करते हैं ये श्री गुरुदेव है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भेजे क्यों, इसका पहला कारण बताए ये नित्यानंद प्रभु कौन है, ये आदि गुरु है, ये आदि गुरु है। इसलिए जीव को क्या करनी चाहिए, गुरु जी की शरण में रहनी चाहिए। जब तक जीव गुरु जी की शरण में नहीं जाता है तब तक जीव का कोई कल्याण नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं प्रथमं तु गुरु पूज्यं ततश्चैव ममार्चनं कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति नम्रता जस्वभावः। मतलब पहले गुरु जी की पूजा उसके बाद में करें मेरी पूजा करनी चाहिए, नहीं तो उसकी सारी भक्ति निष्फल हो जाता है। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं आचार्य मांग बुजनिया, हे उद्धव जो आचार्य को मैं तुम वैराग्य स्वरूप को समझना ही आचार्य है। इसलिए नित्यानंद प्रभु का चरण का आश्रय ग्रहण करना गुरु जी के रूप में और हरिदास ठाकुर जी से क्या ग्रहण करना हरिनाम। इसलिए इनका नाम क्या नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर महापुरुष स्वयं नामाचार्य उपाख्यान को दिया है क्योंकि ये नाम के आचार्य है। अगर नाम करना तो हमें कैसे नाम करनी चाहिए, किससे शिक्षा लेनी चाहिए, तब श्री हरिदास ठाकुर जी से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वो कितना हरिनाम करते थे, 3 लाख नाम करते थे, 1 लाख हरिनाम तो उच्च स्वर में बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। 1 लाख हरिनाम जोर जोर से करते थे। बोले जोर जोर से क्यों करते थे, कारण क्या, बोले पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये कोई भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, जब हम उच्च स्वर से करते हैं इनको कानों में भी भगवान का नाम जाता है, इनको कानों में नाम जाकर इनका भी कल्याण होता है। और जो मन मन में करते हैं उनको जो फल मिलेगा, जो उच्च स्वर से करते हैं उनको 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा, 1, 10, 20 नहीं कहते 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा जो व्यक्ति उच्च स्वर में भगवान की नाम कीर्तन करते हैं। इसलिए हमें कैसे नाम लेनी चाहिए हरिदास ठाकुर से शिक्षा पानी चाहिए, बोले कैसे, तब एक बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे आपको नीचे से पानी निकालना है, आपने क्या किया, एक जगह पर गड्ढे कर लिया, 1 फुट गड्ढे कर लिया लेकिन पानी नहीं निकला, बोले यहाँ पानी है नहीं, फिर दूसरे जगह पर गए 2 फुट गड्ढे कर दिए लेकिन कह वहाँ पर भी पानी नहीं, फिर तीसरे जगह पर खोद दिए वहाँ पर 4 फुट गड्ढे कर दिए देखा पानी निकला ही, और एक जगह पर गए 5 फुट गड्ढे कर दिए पानी, अगर पृथ्वी को इसे खोद लोगे पानी निकलेगा, पानी निकलेगा और पानी नहीं निकलेगा, फिर पानी निकालने का उपाय क्या, जब तक पानी नहीं निकलती है तब तक खोलते रहो, तब तक खोलते रहो जब तक पानी नहीं निकलती है तभी जा कर के कहीं पानी निकलेगा। यहाँ शिक्षा देते हैं भगवत नाम को कहते भगवत नाम को हमें कैसे करनी चाहिए, हम लोग कैसे हरिनाम करते, देखो हरिनाम 1 माला किया 2 माला किया लटका दिया, फिर दिन भर इधर का चिंता उधर का चिंता इधर का चिंता सारी दुनिया को चिंता, फिर शाम को फिर माला लिया 1, 2, 4 माला किया फिर लटका दिया है, फिर रात को सारा दुनिया की इधर उधर चिंता, फिर लास्ट में क्या किया
हाँ किसी तरह से एक दो माला के प्रसिद्ध। फिर इसमें क्या हुआ, जितने भगवान को भजन किया, नाम किया ना, फिर मन हमारा क्या किया, थोड़ी समय के लिए तो प्रभु को चिंतन की, फिर उसके बाद भी मन कहाँ गया, सारा दुनिया की इधर उधर चिंता में मन पूरा उसने उसी में ही पूरा मन चला गया। हाँ उसमें मन चला गया, जितने कमाई किया ना, बल्कि खर्चा हो गया ज़्यादा, हमारी तरह खर्चा हो गया। इसलिए हमें सिद्धि क्यों नहीं मिल रही, हमें भगवत प्रेम क्यों नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिल रही। इसलिए भगवत प्रेम को पाने के लिए क्या करनी चाहिए, इसलिए उदाहरण दिया, जैसे एक हनी होता है ना सहेज, उसको ऐसे डालना, देखना उसमें के धागा बन जाती है, उसमें के धागा बन जाती है। कहते भक्ति, गुरुदेव कहते भक्ति हमें ऐसे करनी चाहिए भक्ति। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम माधुर्य काव्य। ये माधुर्य काव्य हमें सबको पढ़नी चाहिए। अगर इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, कहते ये माधुर्य काव्य ग्रंथ जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे महाराज जी बंगला से हिंदी में बड़े सुंदर रूप में गुरुदेव ने व्याख्या करके वो ग्रंथ उन्होंने बनाया है। हैं अनर्थ कितने तरह का, अनर्थ कैसे निकालनी चाहिए, भगवत स्मरण कैसे करनी चाहिए, श्रद्धा अवस्था में किया, भावा अवस्था में किया, साधन अवस्था में किया, और कैसे कैसे भजन होगा तब जाकर के भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, जब ये भाव अवस्था होता है कैसे ये मन ऐसे भगवान की चरण में लग जाती है, ऐसे लग जाती है एक सेकंड के लिए भी मन कहीं हमारी इधर उधर नहीं जाती। जब ये अवस्था आती है उसी समय पर उदाहरण बताए, जब भावावस्था आती है लक्षण क्या है, बोले कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे भगवान आए हमें अधरा वृद्ध मिला के चले गए, अपना बोर्ड को जाने लग जाते कहाँ थी अधरा। कभी कभी उसको ऐसे लगता है जैसे भगवान आए और हमें स्पर्श करके गए और उसको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी उसको ऐसे लगता है जैसे भगवान आकर के बड़ी मीठी 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 बंसुरी बजा रहे और उसका कान एकदम खड़ा हो जाता है बंसुरी की आवाज़ सुनकर। कभी कभी उसको ऐसे लगता है जैसे भगवान के चरण के नूपुर की झंकार उसको सुनने को मिलता है, कान में सुखाई करता है, कहाँ से इतनी मीठी मीठी चरण के नूपुर की झंकार आती है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है जैसे भगवान सामने एकदम प्रकट हो गए, भगवान की जो शरीर का जो आभाव, भगवान के वस्त्र की जो छटाएं ऐसे आंख को चकाचौंध कर देता है, उसको चकाचौंध कर देता है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है, इसलिए कहती है भावावस्था में ये सब अवस्था भावावस्था में आता है, उसको पहले ये सब चीज नहीं आती। फिर भावावस्था का लक्षण भी बताया, ऐसे नहीं हम जिसको जिसको बोलते उसको तो भाव आ गया, इसको भाव आ गया नहीं। इसलिए माधुर्य काव्य में उसका न लक्षण बताया, अगर भाव होगा तो शांति अभ्यर्थकालतम विरक्ति मान सुन्नता ये सब लक्षण आएगी उसके अंदर में। कैसे नहीं भाव जिसको किसको बोल दिए, अरे इसका के भाव आ गया है, पर आंखों से आंसुओं को देख करके इसके भाव आ गया नहीं। इसलिए भाव आएगा तो उसका अंदर बताइए न लक्षण, उसके अंदर में ये न लक्षण देखने को मिलेगा तभी भाव बता सकते हो। बन्ना लक्षण में पहला लक्षण किया शांति, शांति मतलब भले ही जीवन में जितने बड़े विपत्ति क्यों नहीं आ जाए, जो भगवान के भजन नहीं छोड़ता, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी अवस्था क्या है, अगर कोई जीवन में थोड़ी सी कोई विपत्ति आ जाए ना कहीं भगवान का नाम भजन कर रहे, अगर कोई थोड़ी सी विपत्ति आ जाए ना भले ही किसी चीज को छोड़े नहीं छोड़े, पहले माला छोड़ने के लिए तैयार, पहले माला छोड़ने के लिए खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, भोजन और किस चीज को छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले पहले कहेंगे ये माला कब छूटे, हमारी की अवस्था है। इसलिए कहते हैं शांति, जैसे श्री हरिदास ठाकुर ने उनका जीवन में 22 हजार में पिटाई हो गई, लेकिन वो लास्ट में क्या कहते हैं, सारे चमड़े उठ गया, देखो क्या कहते हैं, भगवान बड़े दयालु, हमने ये कहानी में निंदा सुनाना ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दर्द, पूरा 22 वजन पिटाई हो गई, सारी चमड़ा निकल गया, वो कहते हैं लास्ट में इन्हीं कहानों में हम भगवान की निंदा सुन लिया ना, इसलिए ठाकुर जी केवल थोड़ी सी दर्द दे रहे हैं, ये भक्त बन गया।
ये भक्तों का ये चिन्ह है, इसलिए बोले शांति। दूसरा लक्षण बोले अप्रतकालतम, इसका मतलब कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा। ऐसे बैठ करके गप्पे मार लग जाएंगे, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, हाँ कभी नहीं। कभी भी अपना समय को एक सेकंड समय भी वो भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत समाधि करके एक सेकंड भी कभी समय को बर्बाद नहीं करेंगे। सारे समय को निरंतर रूप में भगवत स्मरण, भगवत चिंतन में उसमें तुम डूबा रहेगा। अभ्यर्त कालतम बोले विरक्ति। विरक्ति मतलब जहाँ पर देखता है भगवान, इसमें कोई भक्ति की कोई संबंध नहीं, कुछ अलग है। जैसे निंदा चर्चा इधर उधर कोई वहाँ से अलग है, ऐसे नहीं निंदा हो रही है, ये ऐसे चीज है ना। अगर वहाँ कोई बैठ कर कर रहा है ना, यहाँ से पता चलता भाई वहाँ कुछ हो रहा है। अब देखना धीरे धीरे ध्यान मान रहे हैं, हाँ हम भी जानता हूँ ऐसे क्या, मतलब हमारी स्मृति में रुचि, इसका करने हमारी इतना रुचि है। इसलिए बोले अव्यक्त विरक्ति। विरक्ति मतलब जिसमें भगवान भक्ति का कोई संबंध नहीं, उस चीज से वो अलग रहते हैं। विरक्ति बोले मान सुन्नता, मतलब वो कभी नहीं चाहेगा सारा दुनिया में इज्जत करे, मेरी पूजा करे, मेरी है सम्मान करे, खुद उसकी भूखा नहीं रहेगा, लेकिन सबको चुका क्योंकि जीवर सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठा। सभी के हृदय में भगवान के निवास है, हैं जीवर स्वरूप हरे कृष्ण नित्यता, सब भगवान की जीव है, सब भगवान की संतान है। इसलिए ये जान करके सबको क्या करें, सबको जगह सम्मान देगा, लेकिन स्वयं सम्मान की भूखे नहीं रहेगी। इसलिए मान सुन्नता मतलब आशाबद्ध, आशाबद्ध मतलब उसको उदाहरण दिया कि जो भक्ति है, जैसे किसी वृक्ष में फूल आएगा, ना फूल से पहले कली आती है, फूल से पहले कली आती है, वो कली को देखकर के पता चल जाता है ना इसमें फूल आएगा, इसमें फूल आएगा। इसलिए भावावस्था को बताया ये कली है, ये कली है। और प्रेम किया और जब फूल खिल जाती है उसको प्रेम बताया, और जब फूल खिल जाती है ना फिर भौंरा स्वयं आकृष्ट होकर के आकर उसको ऊपर बैठ करके मधुपान करता है, मधुपान करता है। उसी तरह हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी फूल जब खिल जाएगा फिर हमें भगवान के पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान स्वयं हमारे पास में आएंगे, ठाकुर स्वयं खेच करते खेच होकर स्वयं आएंगे, हैं। इसलिए कहते जो कली जब आ जाता है पता क्या चलता है, इसमें फूल होगा ही। कहते ये भावावस्था की ऐसी स्थिति है, हमें भगवत दर्शन मिलेगा, उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आशाबंध, आशाबंध मतलब भगवान हमें जरूर मिलेंगे, ठाकुर हमें जरूर मिलेंगे, उसको ये पूर्ण विश्वास होता है। आप देखना बहुत सारे लोग भक्ति में आते हैं, कुछ दिन भजन भजन करते हैं, देखना कुछ दिन बाद में माला भरना छोड़ सकते हैं, माला छूट जाती है, भजन छूट जाती, तिल्ला कंठी होता है, उल्टा पुल्टा, ऐसे क्यों होता है, कारण क्या? बोले कारण है हमने सही से भजन नहीं किया है, हम भक्ति नहीं की है। जैसे कोई बिजनेस करते हैं उसमें कुछ प्रॉफिट होता है कि नहीं, भले ये जगत का कोई बिजनेस में तुम फेल हो सकते हो, लेकिन भक्ति ऐसे के बिजनेस है इसमें अभी तक कोई फेल हुए ही नहीं। अभी तक प्रभुपाद फेल हुए, गौरव श्रद्धा स्वभाव में फेल हुए, हमारे गुरु जी फैल हुए, महाप्रभु सर्वस्वामी कोई फैल हुए, ध्रुव ने फैल हुआ, मीरा ने फैल हुए, अम्बरीश महाराज फैल हुए, सब सक्सेसफुल हुए हैं। ये भक्ति जगत में अभी तक कोई फैल नहीं हुए, सब सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए मीरा कहती हैं दिन दिन भरत समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अभी तक कोई फैले नहीं हुए, अभी प्रश्न है, फिर हम दो दिन बाद माला फला छोड़ देते हैं। हाँ देखो जैसे हमें भजन करनी चाहिए ना, जैसे हमें हरिनाम करनी चाहिए वैसे नहीं। इसलिए एक समय श्री भक्ति विदाल श्री बाबा गोस्वामी महाराज के पास में, देखो ध्यान देकर सुनो, इनके पास में कोई एक व्यक्ति आया, बोले गुरुदेव भजन कैसे करें, हैं
हम शांति कैसे मिले पूछे, तब श्री बाबन गोस्वामी महाराज ने कहा भैया रोना सीखो। वो तो चक्कर में पड़ गए, पर क्या रोना सीखो, हम तो इसलिए साधु गुरु वैष्णव के पास में आते हैं, हम संसार में सबके सब रो रहे हैं, कोई धन से रो रहे हैं, कोई बीवी से रो रहा है, कोई पति से रो रहा है, कोई बेटी से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई पैसा से, हम सबके सब संसार में रो ही रहे हैं सबके सब। इसलिए साधु संत के पास में आते हैं थोड़ा शांति मिले हमें, थोड़ा इसलिए आते हैं शांति के लिए। लेकिन उन्होंने बोल दिया भैया रोना सीखो, तो तब चले गए और रात भर सोचते रहे। कहते गुरुदेव महाराज ने कहा रोना सीखो, हम तो जाते हैं हंसने के लिए, खुशी पाने के लिए, वो कहा रोना सीखो। फिर दूसरे दुनिया में बोले महाराज जी एक प्रश्न है। बोले क्या है? बोले आपके पास में मैं कल आया था, आपने बताया रोना सीखो, हम तो आपके पास में हंसने खुशी के लिए आते, आपने कहा था रोना सीखो। देखो उन्होंने क्या बताया, बड़े महत्वपूर्ण है, इतना बात अगर हम नोट कर देंगे ना हमारा जीवन में, अगर इतने बात अगर सीख गए तो। वो कहते देखो जब तक बच्चा नहीं रोता है ना, तब तक मैया उसको दूध नहीं पिलाती, जब बच्चा रोता है तभी मैया जाकर दूध पिलाती, नहीं तो दूध नहीं पिलाती। उसी तरह जब तक हम कृष्ण प्रेम में नहीं रोएंगे, इसलिए महाप्रभु का आंखों को देखो, महाप्रभु तस्वीर देखो जिस से पागल होकर भी महाप्रभु का आंखों से इतने आंसू बहते कि महाप्रभु आंखों से आस पास के लोग गीले हो जाते थे। महाप्रभु जहाँ नृत्य करते थे वहां पर मिट्टी गीली हो जाती थी, लोग जैसे पिचकारी से पानी निकलता है ना, महाप्रभु आंखों से ऐसे पानी निकलता था। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोले नयन गलत सुधारिया पुलकम अजनम गदगद हृदया गिरा महाप्रभु कहते कब ऐसे कौन सा दिन धारे। हे प्रभु तेरे नाम को लेकर के आंखों का आंसू भी जारी बन जाए, तेरे नाम को लेकर गला गदगद गदगद हो जाए, हृदय प्रेम में द्रवीभूत हो जाए। प्रभु ऐसे कब आए, तेरे आप क्यों भजन कर रहे, भजन क्यों हंसने के लिए नहीं, रोने के लिए भजन कर रहे हैं? आपको जब कृष्ण नाम लग रहा आंसू आएगा ना, समझना तुम्हारी हरिनाम करना सार्थकता हो गया। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज को देखो बेटा, जब तक नहीं रोगे ना तब तक भगवान का हृदय द्रवीभूत नहीं होता, उनके हृदय द्रवीभूत नहीं होता। इसलिए हरिनाम करते करते हमें रोनी चाहिए, आंखों से आंसुओं को बात होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अब बैठ कर हरिनाम करो, आंखों से आंसुओं से अपना हृदय उठला कर दो, आप देखना कितने आनंद दुनिया आए, कितने आनंद आएगी। इसलिए श्रीलाल भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने ग्रंथ लिखा हरिनाम चिंतामणि, वो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में लिखते हैं हरिनाम हमें कैसे करनी चाहिए। हरिनाम तो चिंतामणि जो मांगो तो मुझे देते हैं, लेकिन हरिनाम हमें कैसे करनी चाहिए, तो वहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कम से कम हमें एक दिन में तीन तीन चार चार घंटा एक जगह में बैठे गए, ऐसे नहीं माला दे हरे कृष्ण तुम क्या कर रहे हो इधर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे नहीं, हरिनाम कैसे नहीं इधर देख रहे हैं, दस तरह का अपराध में एक अपराध है हरिनाम चिंतन करते करते दूसरे चीज को याद करना, एक अपराध है उसे अपराध होता है। हरिनाम करने का नियम है एक जगह पर बैठो आंख बंद करके और हृदय से हरे कृष्ण मतलब हे राधे हे कृष्ण हम आपकी नित्य सेवक हैं, लेकिन आप लोग भूल करके संसार में हम ये दुखों का छुटकारा रहे प्रभु, पुनः कृपा करके अपना चरण की भक्ति और चरण की हमें सेवा करें। रो रो करके हृदय से रो रो करके पालनी चाहिए भगवान को, आप इतना बैठ करके रो रो कर हरिनाम करो, देखना आपके हृदय में एक अलग आनंद आएगा, फिर ऐसे एक अनुभूति होगी आप जीवन में कभी माला नहीं छोड़ सकते, जीवन में कभी आप भक्ति नहीं छोड़ सकते। क्यों? आपको स्वयं अनुभूति हुई है,
स्वयं आपको ये अनुभूति हुई है कि ये चीज की जो चीज में अनुभूति हुई है वो चीज को हृदय से तुम्हारी कोई नहीं हटा सकती है। अगर तुम्हारी अनुभूति नहीं है ना, अगर कोई बोले ये सब बेकार भजन भजन कुछ नहीं, ऐसे सब बेकार सब बना दिया धंधा जैसे, बात थोड़ी सी सुनोगे ना, हाँ ये तो सही बता रहे, पर माला माला बस एक तरफ भजन बेकार। बोले क्यों? बोले तुमने कुछ भजन नहीं किया, तुम्हारी हृदय में कोई अनुभूति नहीं है, इसलिए तुमने भजन छोड़ दिया। अगर अनुभूति होगी भले ही सारा दुनिया बोले हैं, वो एक भक्ति ना एक कीर्तन, दुनिया क्या जाने मैं तो ले गई कही ना, दुनिया क्या जाने हैं कि दुनिया क्या जानता है, हाँ मैं तो ले गई कही क्या दुनिया क्या जाने, इसलिए दुनिया क्या जानता है, हैं इसे दुनिया इस विषय में क्या जानता है, दुनिया को दुनिया नहीं जानते, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आशाबंध, आशाबंध मतलब उसको दृढ़ विश्वास आशा रहेगा भगवान हमें जरूर मिलेंगे ही, आशाबंध और समुत्कंठा, समुत्कंठा मतलब हर समय उसके हृदय में उत्कंठा रहे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं सारा दुनिया की चीज में बड़ा उत्कंठा है, बड़े उत्साह है, लेकिन जब भजने की भक्ति की बात आती है कहते भैया तकिया ला वहीं पे आके सोई, लेकिन जब इधर उधर की बात सुन खाना खड़ा हो जाते हैं, उल्टा उल्टा गंदी बात सुनकर खड़ी हो जाती है, लेकिन भक्ति की बात आए ना बोले झूमे झूमे तलाश वाले से भक्ति उठा उधर भैया तकिया ला वहीं पे आके नहीं, भजन करने के लिए उत्कंठा की बहुत जरूरत है। इसलिए रूप गोस्वामी बताए भजन करने के लिए छह गुण की जरूरत है, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात् सत्वप्रीति सरभीर भक्ति प्रसिद्धि, वो छह चीज भक्ति को बढ़ाने वाली होती है। उत्साह हृदय में उत्साह रहना चाहिए, निश्चयात प्रभु जरूर मिलेंगे, हाँ धैर्यात हृदय में धीरज धारण करो, तत्त कर्म प्रवर्तनात् भक्ति का जो अग्र है उसको जीवन में पालन करो, संगत त्यागात् असत संग से दूर रहो, सत्वप्रीति पूर्व पूर्व जो आचार जो ने जो भक्तों ने भजन की भजन जो छह चीज है ये हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने वाली ये छह चीज है। इसलिए यहाँ पर हरिदास ठाकुर कौन है बोले नामा आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इसलिए इनके आदर्श लेनी चाहिए, कैसे आदर्श लेनी चाहिए उन्होंने जैसे, इसलिए महापुरुष कहते ना की शयन क्या सत्य समय की भोजन क्या खाते समय की बात जागरण क्या जगते समय हर समय क्या करो अहर निशी चिंता कृष्ण बोलो, हर समय भगवान का नाम लो और भगवान की चिंतन करो, हर समय हैं हर समय भजन करनी चाहिए, ये मन उसमें पूरा डूबो देनी चाहिए भक्ति में हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर इसीलिए कंटिन्यू, इसलिए महाप्रभु का नामा का आचार्य उनको बताया, नाम का आचार्य कौन है गुरु कौन से हरिदास ठाकुर, इनके आदर्श लेने चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को क्यों भेजे याद रहेगा कि नहीं बताओ, किस लिए भेजे कौन बोलेगा, कौन बोलेगा किस लिए दो व्यक्ति को भेजे बोलो, किस लिए बोलो, अभी अभी भूल गए बताओ प्रभु क्या बोला, आदि गुरु, इसलिए पहले गुरु जी की शरण लो, शरण लेकर के नित्यानंद प्रभु की शरण लो, लेकिन हरिदास ठाकुर से क्या लो भगवान के नाम, हाँ ये नाम लो, इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्ति को जगत में भेजे, ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या कुछ याद है, उन्होंने दूसरा कारण किया कि दोनों को उन्होंने क्यों भेजे, कहते उन्होंने भिक्षा लेने के लिए भेजे, जो भिक्षा करते हैं कौन छोटे साधारण लोग होते हैं, भिक्षा लेने के बाद हाथ नीचा रहता है और देने वाला हाथ ऊंचा रहता है, इसलिए लेकिन भिक्षा कब एक व्यक्ति जाएगा भिक्षा करने, जब उसको घर में जो चीज नहीं है तभी वो भिक्षा करने के लिए कहीं जाएगा, लेकिन ये दोनों व्यक्ति कौन है, एक श्री नित्यानंद प्रभु, ये कौन है बोले एक ब्रह्मांड नहीं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले हैं, ये श्री नित्यानंद प्रभु, इसलिए शंकर सनकारी प्रोसाई गर्भोदशाई च पयप्तिशाई शेषांश शेषांश सकला श्री नित्यानंद रामम शरणं प्रपद्ये।
नित्यानंद प्रभु कौन है, ये मूल संकर्षण है, ये कृष्ण अभिन्न है, जिनसे कानंद बसाई, गर्भट बसाई, खीर बसाई, जो शेष है, जिनका अंश का अंश का अंश है, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु। कहते श्री हरिदास ठाकुर कौन है, पितामह ब्रह्मा। ये ब्रह्मा क्या करते हैं, ये दुनिया को सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी, दुनिया को सृष्टि करने वाले भैया भीख मांगने तो वही जाएगा जिसके पास में जो चीज है नहीं। एक तो सारे दुनिया के विश्व ब्रह्मांड के मालिक, एक एक ब्रह्मांड का मालिक, फिर वो किस चीज की मांगने के लिए जाएंगे। इसलिए जो जितने बड़े आदमी हो ना उसको उतना बड़ा भिख्या देना पड़ता है, जो जितना बड़ा आदमी हो उसको उतना बड़ा भिख्या देना पड़ता है। इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए इन्होंने कोई साधारण भिक्षा मांगने नहीं गए, आटा चावल है रुपया पैसा दुकान मकान ये भिक्षा मांगने नहीं गए। बोले किस चीज की भिक्षा मांगने के लिए गए, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने भगवान के नाम को भिक्षा मांगने के लिए गए कि भी जब भगवान नाम और भगवान इसमें कोई फर्क नहीं, अभिन्नत्वा नाम नाम न भगवान नाम में उसमें उनकी कोई फर्क नहीं। इसलिए ये चीज को भिक्षा मांगने के लिए गए, ये भिक्षा तो है कभी ये जाने का ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण क्या है, बोलो किसके याद है तीसरा कारण क्या। बोले तीसरा कारण बताए, भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। इसलिए चैतन्य चैतन्य ने बताए, क्या बताए आप चैतन्य चैतन्य, जय भजे सही बड़ा अभक्त हिंसार, कृष्ण भजन नहीं जाती गुलादि विचार। कहते भगवान के भजन में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं, जय भजे जो भजन करता है वही बड़ा है, वही बड़ा है। इसलिए उसमें कोई जाति पात का कोई विचार नहीं। इसलिए बोले जात पात कुछ ना कोई, और हरि का भजा सो हरि का कोई है। इसलिए भगवान के भजन में कोई जात पात का विचार नहीं। इसलिए उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को भेजे, इसलिए छोटे से छोटे जाते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रचार करने जाते हैं जो सामने वाले व्यक्ति है ना वो देखता है वो प्रचार करने वाले व्यक्ति कौन है, ये बोलने वाले कौन है, उसको देख करके तेरे को आता है। अगर कोई अच्छे मीठे बड़े जैसे पहले बता रहा था, अगर बोली प्राइम मिनिस्टर वो अगर इसे तिलक लगा दे गला में तुलसी बैठी पहन ले और एक माला जब करना बोले वाह वाह जरूर से कुछ ले। हाँ इसलिए कुछ देर पहले जोगी आदित्यनाथ जोगी उसका गौरव कपड़ा है, वो इतना प्रभाव लोगों को पड़ा उनका जो आस पास के लोगों ना सबकी कपड़ा पहनना शुरू किया। क्यों क्योंकि देखा अरे इतने श्रेष्ठ व्यक्ति ये लाल कपड़ा ये कपड़ा पहनते हैं। इसलिए अपने आप इसलिए अब देखना सिनेमा में अगर कोई हीरो कोई चीज कर दिया ना देखना अभी सब बच्चे लोग जैसे घोड़ा का बाल होता ना बच्चा सब इधर काट के ऐसे कर बोले बोले क्यों कर दिया, कोई एक हीरो ने बास जो कर दिया ना बास सब कोई हीरोइन ऐसे कोई जूता और अभी जो पहले क्या सलवार और सूट पहनते ना अभी सब बदल गया, अभी दूसरा जो चिपकने वाले एक आ गया। लेकिन ये सब गंदी चीज है, ये सब अच्छी चीज है ही नहीं है, ये भक्ति के लिए ये गंदी चीज है। पहले पहले पोशाक था ना हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है वो संस्कृति सही है, माताओं को सर पर कपड़ा रखना है, उन लोगों को अपना मर्यादा को रक्षा करते हुए अपना कपड़े को धारण करना ये हमारी संस्कृति है। लेकिन बस कोई हीरोइन अगर ऐसे कोई उल्टा पुल्टा कर देना बस सब अरे हमको हीरोइन क्या दे। इसलिए महाप्रभु इसलिए दो व्यक्ति को महाप्रभु इसलिए भेजे, श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने इसलिए नित्यानंद प्रभु को उन्होंने भेज दिया। नित्यानंद प्रभु कौन है, बोले ये जगत का सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, ये ब्राह्मण कुल में इनका जन्म है, इसे ब्राह्मण कुल का जन्म ही है। इसलिए इनको भेजे, इनको देख करके जो ऊंचे ऊंचे जो शिक्षित लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे जो वर्ण का लोग है इनको देख करके वो लोग आकर्षित हो। और छोटे हरिदास ठाकुर को क्यों भेजे,
कहते ये मुसलमान कुल में आए हैं, इसलिए जब ये मुसलमान कुल में आए कहते इनको देख करके जो साधारण में जो व्यक्ति है वो बोलेगा भैया भगवान की भक्ति में सभी अधिकार है, भगवान की भक्ति में सब अधिकार है। क्या क्या बात है, इसलिए उन्होंने ये छोटे से छोटे व्यक्ति को भेजे और बड़े से बड़े व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति को भेजे। मतलब है छोटे से छोटे आदमी भी भक्ति कर सकते हैं और बड़े से बड़े आदमी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यता, जीव का जो स्वरूप है हम सब भगवान के नित्य सेवक है। इसलिए हमारा शरीर तो कोई काले गोरे कोई छोटे बड़े, लेकिन आत्मा थोड़ी संता बराबर है, आत्मा सभी बराबर है, एक ही कोई अलग नहीं। इसलिए आप महाप्रभु का भक्त में देखो, भगवान कृष्ण राम भक्त में देखो छोटे से छोटे आदमी बड़े से बड़े आदमी, राम भक्ति में देखो एकदम छोटे से छोटे आदमी कौए जैसे चड्डा वाले, गिरधर जैसे मांस खाने वाले, ऋषि जैसे जामवान हैं, और सुग्रीव जैसे बंदर, हनुमान जैसे बंदर है, और श्री कहते विभीषण जैसे राक्षस व्यक्ति भजन कर रहे हैं, और कृष्ण का भगवान भक्त में ध्रुव महाराज, प्रह्लाद महाराज, अवध महाराज, युधिष्ठिर चक्रवर्ती महाराज, महाराज से महाराज और साधारण से साधारण लोग सबके सब भगवान के भजन में लगे हुए हैं। इसलिए सिखा देते हैं सब व्यक्ति बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान की भक्ति सब कोई भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भक्ति में किसकी कोई बात विचार नहीं, सबके सब भक्ति में अधिकार। कितना करना है, तीन हो गया, चौथा कारण है, इसको बोल कर खत्म कर, चौथा कारण बताए ये दोनों को क्यों भेजे। एक ब्रह्मा को दुनिया को सृष्टि करने वाले, और एक श्री नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन जो बलदेव, जो एक ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, और एक कौन है अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, ये दोनों। जैसे कोई माँ पिता माता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जब बच्चे को जन्म देते हैं इनका कर्तव्य क्या होता है, ठीक से उनको लिखाई पढ़ाई सिखाना, अच्छी चीज सिखा देना, उनको अच्छे संस्कार डालने की इतना मतलब कर्तव्य, क्यों तुमने जन्म दिया हो इसलिए तुम्हारे कर्तव्य की पालना करना। इसलिए दुनिया को सृष्टि करने वाले कौन, दोनों ही दुनिया को सृष्टि करने वाले, जब दोनों ही दुनिया को सृष्टि करने वाले हैं इनका कर्तव्य क्या बनता है, जीव को पालन कर, जन्म देना सब कुछ नहीं, उनको लिखा पढ़ा सिखा कर उनको बड़ा करना चाहिए है। इसलिए बनाए कैसे, केवल खाना पीना देना क्या सब कुछ नहीं, खाना पीना देना सब कुछ नहीं, उनको आदर से चरित्र बनाना और उनको महान बनाना है। कहते महान बनाना मतलब क्या है, कभी जो मानव शरीर हमें भगवान दिया है किस लिए भगवान ने ये शरीर दिया है, कहते आए थे हरि भजन को और न लगे कपास, हम जो आए हैं भगवान के भजन के लिए आए, 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता, क्यों इसी जीवन में भगवान का भजन हो सकता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदर साधन धाम, ये मानव शरीर नहीं कभी, ये साधन का धाम नहीं, इसी जीवन में ही हम भगवान की साधन कर सकते हैं और किसी जीवन में प्रभु भक्ति हम नहीं कर सकते, ये मानव शरीर नहीं, ये मोक्ष करे द्वारा ही मुक्ति का दरवाजा है, मुक्ति के दरवाजा में खड़े हुए हैं। ये 84 लाख जो भ्रमण करते करते
अभी जो मानव शरीर मुक्ति के दरवाजा पर खड़े हुए लेकिन पाई न जई पर लोक सवारा, लेकिन जो भी मानव शरीर पाकर के पर लोक को सुधारा नहीं उसको बाद में कहते हैं आत्मा आनंद विजाई, फिर सर को फिरते रहो क्योंकि फिर दोबारा शरीर को हमें नहीं देने वाले, इसलिए जितने जल्दी जल्दी हो भगवान भजन करे और भव सागर से पार हो जाए। इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्ति को भेजे, जाओ तुमने ये जगत को सृष्टि किया है ना, जाओ दरवाजा दरवाजा में जाओ खटखटाओ, जीव जागो जीव जागो। कोरा चांद बोले कब तक निद्रा जाओ माया विशाच, बोले कब तक सो रहे हो, बहुत सो गया तुमने, भैया अभी तो जगो, अभी जगो भगवान का नाम लो भजन करो, कब तक सोते रहोगे, इतने दिन जीवन सो सो करके आए, कम से कम किसी जीवन में तो जग जाओ। हाँ इसलिए उपनिषद उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निमगत खुरस दुरतया निशतया दुर्गम पतस्तक कवय वदती। हैं कहिए उत्तिष्ठत उठो और जगो, हैं किस चीज में, बल भगवान में जगो, तुम माया में सोए पड़े हो जगो वहां से और जल्दी से जल्दी क्या करो भगवान के दर्शन में लग जाओ। हैं और समय नहीं, पास में समय नहीं, जाना बड़े दूर तक है, अब सूरज डूबते जा रहा है तो जाना बड़े दूर तक है, इसे दूर तक जाना इसलिए जितना जल्दी पारो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बोल। कल सुनेंगे महाप्रभु ने तीन बात बताई, बोलो कृष्ण कृष्ण कारण कृष्ण शिक्षा, ये तीन चीज, ये तीन चीज क्या है हम इस तीन चीज को कल सुनेंगे और हो सका तो हम श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य चरितामृत विषय में सुनेंगे और महाप्रभु का कथा सुनेंगे, ठीक है।